ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नगरीय उड्डयन मंत्री यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का भार सौंपा गया है। वो सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाए गए हैं। ये भारी भरकम मंत्रालय सिंधिया की झोली में आया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हरदीप सिंह पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और अब कैबिनेट रीशफल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नगरीय उड्डयन मंत्रालय का भार दिया गया है। आपको बता दें कि सिंधिया ने सभी शीर्ष नेताओं का शुक्रिया अदा किया और साथ ही कहा कि वो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। वहीं मध्य प्रदेश से एक और सांसद जो कि टीकमगढ़ से आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और उनको सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री बनाया गया है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो मंत्रालय है वो उनको दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, इन दो नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। इन दोनों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी और अब इन दोनों को इनके विभाग बांट दिए गए हैं, सौंप दिए गए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।